Hello friends, this is Dr. Ashish Panchal, your biology need guru from Trisha Institute of Biology. बच्चों, आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है appendicular skeleton. और appendicular skeleton में दो पार्ट हैं, एक है girdle और दूसरा है limb bone. तो girdle में दो है बेटा, एक shoulder girdle, उसको बोलते हैं pectoral girdle. क्या बोलते हैं? Pectoral girdle. And in the pectoral girdle, it is made up of the two bone. One is the पेक्टोरियल गर्डल में दो बोन होते हैं, वन इज क्लेवाइकल बोन एंड दिस क्लेवाइकल बोन इज ऑल्सो नोन एज द कॉलर बोन. ओके, दिस क्लेवाइकल बोन इज कनेक्टेड विद द स्टर्नम. किसके साथ कनेक्टेड होता है? स्टर्नम. एंड द सेकेंड बोन इज द स्कैपुला बोन. दिस इज द स्कैपुला बोन. सो द टू बोन, क्लेवाइकल एंड द स्कैपुला, बोथ द साइड, राइट एंड द लेफ्ट, क्लेवाइकल एंड द स्कैपुला. सो टोटल इन द पेक्टोरियल गर्डल देर आर फोर बोन्स, टू राइट साइड एंड टू लेफ्ट साइड, टू स्कैपुला एंड द टू क्लेवाइकल. राइट नाउ, अब ये जो क्लेवाइकल बोन है, ये क्लेवाइकल बोन में वो स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होता है और एक पार्ट उसका कनेक्टेड होता है किसके साथ? तो देखो, एक पार्ट यहाँ से, मैं ये पार्ट अभी निकाल देता हूँ, हाइट, सॉरी. तो देखो बेटा, यहाँ पर ये जो क्लेवाइकल है उसका एक पार्ट किसके साथ कनेक्टेड है? सो द वन पार्ट ऑफ द क्लेवाइकल इज कनेक्टेड विद द स्कैपुला, ओके, विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट है कनेक्टेड. इसको मैं हाइड करता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा. दिस इज द क्लेवाइकल एंड दिस इज द स्कैपुला, वो दोनों को कनेक्ट करता है. ओके, तो क्लेवाइकल का एक पार्ट होता है जो स्कैपुला के साथ कनेक्टेड होता है, एक पार्ट होता है जो स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होता है. ओके, अब ये जो स्कैपुला है, स्कैपुला में एक्रोमियम प्रोसेस होता है. ये जो स्कैपुला में आपको अकेला स्कैपुला दिखाऊँ कि बाकी सब निकाल दूँ, तो देखो ये स्कैपुला है, बाकी सब मैं हाइड कर दूँ. तो ये स्कैपुला में अपर का जो ये पार्ट होता है, स्कैपुला में ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं एक्रोमियम प्रोसेस. क्या बोलते हैं? एक्रोमियम प्रोसेस. ओके, स्कैपुला का ये पार्ट को क्या बोलते हैं? एक्रोमियम प्रोसेस. ओके, और ये एक्रोमियम प्रोसेस के साथ कौन अटैच होता है? तो क्लेवाइकल अटैच होता है. क्लेवाइकल को और एक बार नाम से जाना जाता है, दैट इज़ दी कॉलर बोन भी बोलते हैं क्लेवाइकल को. और ये जो स्कैपुला है, स्कैपुला आप देखो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और यानी डोर्सल साइड पे होता है और सेकंड टू सेवन्थ रिब्स पे होता है. कहाँ होता है? सेकंड टू सेवन्थ रिब्स पे होता है बेटा, ऐसे होता है स्कैपुला. ओके, तो आप देखो कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी ये देखो सेवन, फिर ये सिक्स. आपको मैं यहाँ पर क्लियरली दिखाऊँ तो ये सेवन सिक्स, फिर फाइव, फिर फोर थ्री एंड टू, यानी टू से लेके सेवन्थ रिब्स तक बेटा ये स्कैपुला होता है. ओके, और स्कैपुला कहाँ पर होता है? डोर्सल साइड पे होता है. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा, जो स्कैपुला है उसमें एक कैविटी होती है और वो कैविटी का नाम क्या है? ग्लेनोइड कैविटी. लुक एट हियर, अगर मैं ये ह्यूमरस को निकाल दूं यहाँ से, ये हाइड, तो देखो यहाँ आपको कैविटी दिखेगा. दिख रहा है कैविटी? और ये जो कैविटी है, दैट कैविटी इज नोन एज द ग्लेनोइड कैविटी. ये कैविटी जो है, दैट इज नोन एज द ग्लेनोइड कैविटी. एंड इन दिस ग्लेनोइड कैविटी, दिस इज कॉल्ड द ग्लेनोइड कैविटी. ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, क्योंकि तो वो ग्लेनोइड कैविटी के अंदर ह्यूमरस का हेड फिट होता है. ये ग्लेनोइड कैविटी है, उसके अंदर ह्यूमरस का हेड फिट होता है. ओके, जैसे आपको यहाँ इस साइड में दिखाऊँ तो देखो ये ह्यूमरस का हेड है. ओके, दिस इज द ह्यूमरस, उसका ये हेड है और वो किसके साथ फिट है? तो स्कैपुला और क्लेवाइकल बोन का जो ग्लेनोइड कैविटी होता है उसके साथ बेटा वो फिट होता है. क्लियर? सो दिस इज अबाउट द पेक्टोरियल गर्डल. नाउ सेकंड पार्ट बात करते हैं, पेल्विक गर्डल. तो पेल्विक गर्डल में एक्चुअली तीन बोन होते हैं. एक होता है बेटा इलियम, दूसरा होता है प्यूबिस और तीसरा होता है इस्कियम. इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस तीनों बोन बेटा जॉइंट होके एक इनोमिनेंट बोन बनाते हैं. क्या बनाते हैं? एक इनोमिनेंट बोन बनाते हैं. और ये जो पूरा, ये राइट साइड का पार्ट है और ये लेफ्ट साइड, इस्कियम, प्यूबिस एंड द इलियम, ये तीनों मिलके, तो ये राइट साइड इनोमिनेंट बोन, ये लेफ्ट साइड इनोमिनेंट बोन. मीन्स ये एक हो गया राइट साइड इनोमिनेंट, ये हो गया लेफ्ट साइड इनोमिनेंट बोन. दोनों इनोमिनेंट बोन एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड है यहाँ ये पार्ट से. ओके, आप देखो ये पोर्शन, तो इसको बोलते हैं बेटा प्यूबिक सिम्फाइसिस. क्या बोलते हैं इसको? प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं. तो ये जो पार्ट है, द
दिस वन इज नोन एज द प्यूबिक सिम्फाइसिस। ओके, ये पार्ट जो एग्जैक्टली बोलते हैं उसको प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं, जो वाइट फाइबरस कार्टिलेज से बना होता है, जिसका स्लाइटली मूवमेंट होता है। ओके, तो एट द टाइम ऑफ द बेबी बर्थ, ये देखो बेटा ये नीचे ऐसे ओपनिंग होता है, ये पूरा पार्ट ओपनिंग होता है। तो एट द टाइम ऑफ द बेबी बर्थ ये प्यूबिक सिम्फाइसिस की वजह से, ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसकी वजह से ये जो कर्व है, ये जो कर्व है वो थोड़ा एनलार्ज होता है और बेबी कैन इजीली कम्स आउट फ्रॉम द मदर बॉडी। ओके, नाउ वन मोर थिंग कि ये प्यूबिक सिम्फाइसिस और ये जो सारे बोन मिल के इनोमिनेंट बोन बना रहे हैं, इसमें भी एक कैविटी होता है। मैं यहाँ से ये बोन निकाल दूँ, फीमर निकाल दूँ तो देखो बेटा यहाँ कैविटी दिख रहा है, दिस इज द कैविटी एंड दिस कैविटी इज मेड अप ऑफ द थ्री बोन, तीनों बोन बेटा, ये इलियम, फिर ये इस्कियम और ये प्यूबिस, तीनों मिलके ये कैविटी बनाते हैं और ये कैविटी को क्या बोलते हैं, एसेक्टाब्यूलम कैविटी। क्या बोलते हैं? एसेक्टाब्यूलम कैविटी। तो ये कार्टिलेज वगैरह सब हम निकाल दें यहाँ से अगर, तो आपको कैविटी क्लियर दिखेगा। देखो ठीक है, ये कैविटी दिख रहा है क्लियर। दिस कैविटी इज नोन एज द एसेक्टाब्यूलम कैविटी एंड इन दिस एसेक्टाब्यूलम कैविटी द हेड ऑफ द फीमर इज फिट, इन कैविटी के साथ हेड ऑफ द फीमर इज फिट एज अ बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ द जॉइंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेक्टोरियल एंड द पेल्विक गर्डल।